अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज की जो मेरी रेसिपी है वो निहारी है, तड़के वाली, मेरे अपने स्टाइल में। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ले लें 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 8-10 दाने ब्लैक पेपर के, 5-6 साबुत लाल मिर्चे, ज़ीरा ले लें 1 टेबल स्पून, सौंफ ले लें 1 टेबल स्पून, और इनको भून लीजिएगा। 1/2 किलो चिकन, 2 प्याज तड़के के लिए, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मगर मैंने लिया है 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, धनिया और हरी मिर्ची गार्निशिंग। सबसे पहले ऑयल ले 7-8 टेबल स्पून, उसको हल्का सा गरम कर ले, उसमें डाल दीजिए चिकन। चिकन को हल्का सा हिलाइए, फिर डाल दें अदरक लहसुन, फिर उसको हिलाइए और उसके बाद डालें वो भुना कुटा हुआ गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था। फिर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे चमचे को, उसके बाद आप सारे मसाले डाल दीजिए, मिर्चे, नमक, सूखा धनिया और गरम मसाला, और उसको हिला लीजिए। फिर उसमें 2 प्याले भर के आप पानी के डाल दें। और उसको कवर कर दें। उबाला आने के बाद उसको आप हल्की आंच पर रख दें। दूसरी तरफ मैंने 1 प्याली मैदा लिया है, जिसको आप मीडियम ब्राउन करके भून लें। इससे कच्चापन नहीं आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फिर हम तड़के के लिए 7-8 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, 2 प्याज डालेंगे, उसको डार्क ब्राउन करेंगे। फिर हमने अपने मैदे के बैटर को घोल लेना है, जितनी कंसिस्टेंसी में हमको पानी चाहिए, और उसको हमने रखना है। यह आप देख लीजिए, इसके बाद ये देख ले बॉयल आ गया है, चिकन की यखनी रेडी है निहारी की। अब हम मैं अपने उसी 1/2 प्याली मैदे को उसमें डाल के उसको मैं हिला रही हूँ। जब वो अच्छी तरह से उसमें बॉयल आ जाए तो आप उसको कवर कर दीजिए। तड़क जब प्याज डार्क ब्राउन हो जाए, एंड में उसमें रेड मिर्च डालें कलर के लिए। ये देखिए मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, थोड़ी सी प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली। अब इसको 1/2 घंटा हल्की आंच पर दम दें, धनिया डाल लीजिए और फिर इसको कवर करें और 1/2 घंटा हल्की आंच पे। हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। ये मैंने अपने स्टाइल में बनाई है, बड़ी लाइट सी निहारी है और हैवी भी नहीं है, और इसमें मैंने कोई इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स।